पहली बार क्रिकेट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबर हिंदी में पाने के लिए डाउनलोड करें क्रिकेट हंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, आईपीएल 2020 से जुड़ी लगातार कई बड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही हैं और हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार आईपीएल से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन यानी कि आईपीएल 2020 काफी खास और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहां पर हमें आईपीएल 2020 में कई सारी चेंजेस देखने को मिलने वाली हैं इस बार। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2020 के लिए आईपीएल की सभी 8 टीमों के उनके कन्फर्म कप्तानों के बारे में कि वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो अपनी अपनी टीम की तरफ से कप्तानी करने वाले हैं, यानी कि आईपीएल के सभी 8 टीमों के उनके कंफर्म कप्तान आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर ले। अब दोस्तों, बिना देरी के वे चलिए बात करते हैं आईपीएल 2020 के सभी 8 टीमों के उनके कंफर्म कप्तानों के बारे में कि वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो कप्तानी करेंगे अपनी अपनी टीम की तरफ से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सारी टीमों के बारे में जिनके कप्तान सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली टीम है जो कि मुंबई इंडियंस है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सफल टीम है जो कि 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, जो कि रोहित शर्मा यहाँ पर आईपीएल 2020 में भी हमें मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 100% कन्फर्म है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे आईपीएल 2020 में भी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी टीम के बारे में तो दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे सफल टीम है, जो कि सीएसके ने भी आईपीएल की 3 ट्रॉफी जीती है, यानी कि 3 बार खिताब जीता है सीएसके की टीम। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके कप्तान के बारे में तो गाइज, यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये डाउट था कि अब महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2020 में भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तानी करेंगे या खेलेंगे या फिर नहीं। तो गाइज, आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 में महेंद्र सिंह धोनी हमें खेलते हुए दिखाई देंगे और साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक बार फिर से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और इस बात की घोषणा कर दी है सीएसके के ऑफिशियल टीम मैनेजमेंट ने। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी टीम के बारे में तो गाइस, तीसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों, हैदराबाद की टीम की तरफ से इस बार आईपीएल 2020 में भी केन विलियमसन ही करने वाले हैं कप्तानी, ये 100% कंफर्म है। हालांकि इनकी टीम में डेविड वार्नर, भुवनेश्वर कुमार जैसे कई शानदार खिलाड़ी हैं जो कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन केन विलियमसन 100% कंफर्म है आईपीएल 2020 के लिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें चौथी टीम के बारे में तो चौथी टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल काफी शानदार प्रदर्शन किया था श्रेयस अय्यर के कप्ताने में। और अगर हम बात करें यहाँ पर आईपीएल 2020 के लिए तो गाइस, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2020 की नीलामी में से पहले अपनी टीम में रविचंद्र अश्विन, अजिंक्य रहाणे जैसे कई शानदार खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस बार आईपीएल 2020 के कप्तानी के तौर पर कई सारे ऑप्शन देखने को हमें मिलते हैं, जहां पर पहला ऑप्शन है श्रेयस अय्यर, दूसरा ऑप्शन है रविचंद्र अश्विन, तीसरा ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 में भी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से श्रेयस अय्यर करने वाले हैं कप्तानी, ये भी 100% कंफर्म है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर पांचवी टीम के बारे में तो पांचवी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी। दोस्तों, आरसीबी की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से लगातार काफी खराब है, बेहद ही शर्मनाक परफॉर्मेंस रही है। हालांकि टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे कई शानदार खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े थे, लेकिन काफी खराब प्रदर्शन रहा था और यहां पर सवाल उठता है विराट कोहली को कप्तानी को लेकर। और बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि विराट कोहली आईपीएल के अनलकी प्लेयर हैं, आईपीएल के अनलकी कप्तान है, इस वजह से आरसीबी की टीम इन्हें कप्तानी से हटाकर किसी और को कप्तान बनाएगी और विराट कोहली एज ए प्लेयर के तौर पर खेलेंगे आरसीबी की टीम में। तो गाइस, आपको बता दूं कि ये सारी बातें अफवाहें, 100% फेक है, जो कि विराट कोहली आईपीएल 2020 में भी आरसीबी की तरफ से करने वाले हैं कप्तानी और इसकी भी घोषणा कर दी है आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने, ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, विराट कोहली आईपीएल 2020 में तो कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, यह बात तो 100% कंफर्म है और उनके फैंस काफी ज्यादा ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आईपीएल 2020 में कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम एक शानदार प्रदर्शन करके दिखाएगी, जिससे उनकी आलोचना करने वाले चुप हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर उन 3 टीमों के बारे में जिनके कप्तानों में कई सारे चेंजेस देखने को मिल सकती है तो गाइस, यहां पर 6ठी टीम है जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पिछले 2 साल से कुछ खास नहीं कर पाई है और जब से गौतम गंभीर ने केकेआर की टीम को छोड़ा था, जब से केकेआर की टीम की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नीचे गिरती गई है, जहां पर दिनेश कार्तिक पिछले 2 साल से कप्तानी करते
करते हुए आ रहे हैं केकेआर की टीम की तरफ से, लेकिन ऐसे कप्तान कहीं ना कहीं वो फ्लॉप रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 के लिए प्राइमरी तौर पर दिनेश कार्तिक ही रहने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। हालांकि आईपीएल 2020 के ऑक्शन में केकेआर की टीम बैकअप के तौर पर एक कप्तान के ऊपर 100% बोली लगाने वाली है, जैसे कि योन मॉर्गन या फिर आरोन फिन जैसे खिलाड़ी को अगर खरीद लेती है तो एज ए बैकअप के तौर पर टीम में शामिल करेगी। और जब दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस काफी खराब रहेगा एज ए प्लेयर या फिर एज ए कप्तान, तो आईपीएल के बीच में ही कप्तान को चेंज कर सकती है केकेआर की टीम। ये इनके पास एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा अगर कप्तान को खरीदती है आईपीएल की नीलामी में, और 100% कप्तान को खरीदने वाली है आईपीएल की नीलामी से अपने बैकअप के तौर पर। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2020 के लिए प्राइमरी तौर पर दिनेश कार्तिक ही कप्तानी करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। अब उम्मीद यही होगी कि दिनेश कार्तिक शानदार प्रदर्शन करे एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर सातवीं टीम के बारे में, तो सातवीं टीम है जो कि राजस्थान रॉयल्स है। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल 2019 के स्टार्टिंग में अपनी कप्तानी सौंपी थी अजिंक्य रहाणे को, जहां पर अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल 2019 के स्टार्टिंग में। लेकिन एंड सीजन आते ही जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला यह लिया था कि अजिंक्य रहाणे को उनकी कप्तानी से हटा दिया था और एक बार फिर से स्टीवन स्मिथ को कप्तानी सौंप दी थी राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन दोस्तों अब बता दूं कि आईपीएल 2020 के लिए इसकी भी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है कि आईपीएल 2020 में स्टीवन स्मिथ करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कप्तानी, ये भी 100% कंफर्म है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर आठवीं और आखिरी टीम के बारे में, तो आठवीं टीम है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। दोस्तों पंजाब की टीम ने आईपीएल की नीलामी से पहले अपनी टीम से जो कि अपने कप्तान का ही ट्रेड कर दिया था रविचंद्र अश्विन को दे दिया था दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। ऐसे में अब यहां पर जहां रविचंद्र अश्विन पिछले 2 साल से पंजाब की तरफ से कप्तानी करते हुए आ रहे थे, अब यहां पर पंजाब के पास कोई भी कप्तान नहीं रहा टीम में। आपको बता दें कि इस टाइम पर जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि केएल राहुल करने वाले हैं आईपीएल 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी, इसके 70% चांस है। हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आईपीएल के नीलामी में पंजाब की टीम एक बढ़िया कप्तान को खरीद लेती है और 100% एक कप्तान के पीछे बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल करने वाली है खरीद कर, तो ऐसे में अगर अच्छा कप्तान खरीद लेती है तो उसके 30% चांस है कि उसे प्लेयर को कप्तानी सौंप दे पंजाब की टीम आईपीएल 2020 में और केएल राहुल एज अ प्लेयर ही खेलते हुए दिखाई दें। लेकिन फिलहाल ये लगभग तय है और 70% चांस है कि केएल राहुल करने वाले आईपीएल 2020 में पंजाब की तरफ से कप्तानी। तो गाइस ये आईपीएल 2020 के सभी 8 टीमों के उनके कप्तान, आपके हिसाब से इन सभी 8 टीमों में आपका कौन सा सबसे फेवरेट सबसे बेहतरीन कप्तान है, कमेंट करके अपना राय अपने विचार जरूर दें। आपके हिसाब से कौन सा टीम जीतेगी आईपीएल 2020 का खिताब।